हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल पे। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे अनुभवों से आपको मदद मिले। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चों का वजन कैसे बढ़ाएं। सभी माँ बाप की कॉमन सी चिंता है, कॉमन सी प्रॉब्लम है कि बच्चे का वजन कैसे बढ़ाएं। लेकिन जब हम बच्चे और उसके वजन की बात करते हैं तो कई सारी कैटेगरीज हो जाती हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला न्यूबॉर्न से लेके 4-5 साल के बच्चे तक नहीं चल पाता, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। तो शुरू में हम आज बात करेंगे न्यूबॉर्न से लेके 6 महीने तक के बच्चे की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हालांकि इन बच्चों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर माँ का दूध बहुत अच्छे से पी रहा है बच्चा तो नहीं आती, लेकिन फिर भी हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं क्योंकि समस्या वहीं आती है और तभी आप समाधान की तरफ भागते हैं। तो अगर न्यूबॉर्न बेबी है, 0 से 6 महीने का है और उसका वजन नहीं बढ़ रहा है 6 महीने तक, जन्म के समय बच्चे का जितना वजन होता है 5 महीने में उसका डबल हो जाना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड है। तो अगर ऐसा नहीं है, बच्चे का वजन किन्हीं भी प्रॉब्लम की वजह से, जन्म के समय से उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है या जो भी रीज़न है, बार बार बीमार होता है, सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तब हम क्या करें, इसी के समाधान के बारे में हम आज बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि ब्रेस्ट फीड 6 महीने तक बच्चे को पूरी तरह से मिलना चाहिए। अब ब्रेस्ट फीड कैसे कराएं, कैसे समझें, क्योंकि कई बार पहली बार अगर माँ बनते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है कि चीज़ें समझ में अच्छे से नहीं आती, और जब तक हमें अनुभव होता है तब तक बच्चे का वो समय पार हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, इस पर मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है, आप मेरे उस वीडियो को देख के और ज़रूर उस चीज़ों को सीख लीजिए। तो बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि जब बच्चा रोए, कहे, मांगे, रुके तभी दूध पिलाना है। हर 1-2 घंटे पे बच्चे को दूध पिलाएं, 10 से 15 मिनट दोनों तरफ अच्छे से फीड कराएं, पीते पीते बच्चा तृप्त होकर सो जाता है तभी उसको हटाएं। पूरे अच्छे तरह से ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़रूरी है। दिन के समय तो हम वैसे करा भी देते हैं, थोड़ा रात के समय दिक्कत आती है तो थोड़ा अवेयर रहें और बच्चे को रात के समय में भी फीड कराने का पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ब्रेस्ट फीड ही उस समय बच्चे के लिए बेस्ट सोर्स है। अब बात आती है कि ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं लेकिन अच्छे से करा रहे हैं लेकिन तो भी वजन नहीं बढ़ रहा है, तब बात आती है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी क्वालिटी, अब हम क्वालिटी कैसे बढ़ाएं। तो ये ध्यान रखने की बात है कि आप अब एक आप हैं और बच्चा, मान लीजिए 1.5 व्यक्ति हैं, तो आपकी डाइट में 1.5 व्यक्ति का खाना होना चाहिए, इतना पोषण आपको लेना चाहिए, दूध, हरी सब्जियाँ, दालें, पर्याप्त मात्रा में अनाज, प्रोटीन, सब चीज़ आपको अपनी डाइट में लेना चाहिए, 1 व्यक्ति के लिए नहीं, 1.5 व्यक्ति के लिए। तो इतनी चीज़ें आप अच्छे से खाते हैं, फल वगैरह सब चीज़ ले रहे हैं, तो आपको ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए क्या करना है, इस पर भी मेरा वीडियो है, उसको बहुत अच्छे से देखे, छोटे छोटे से घरेलू उपाय हैं जो कि आपके लिए बहुत ही काम के हो सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि माँ किन्हीं कारणों से बच्चे के पास नहीं रहती, वर्किंग है या फिर किन्हीं कारणों की वजह से, आजकल सिजेरियन बहुत चल गया है तो बहुत सारी महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, पर्याप्त मात्रा में नहीं आता है, थोड़े समय आया फिर बंद हो गया, ऐसी कंडीशन में बच्चे को पोषण कैसे दें। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे को ऊपर से कुछ देना होता है ताकि वो तंदुरुस्त रहे, उसका सेहत बना रहे और उसका वजन सही तरीके से बढ़ता रहे। ऐसे कंडीशन में आप क्या देंगे फ्रेंड्स, आप दाल का पानी दे सकते हैं, आप चावल का पानी दे सकते हैं जिसको माड़ कहा जाता है, चावल उबालने के बाद में उसमें जो पानी बचता है उसको निथार के उसमें हल्का सा मिश्रित पाउडर मिला के आप दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, उबली हुई दाल का पानी, केवल पानी जिसमें कुछ भी गाढ़ापन ना हो, बिल्कुल पानी हो। इसके अलावा आप बनाना को फॉर्क से क्रश करके पेस्ट बना के बहुत अच्छे से बच्चे को दे सकते हैं, आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, आप गाजर की, एप्पल की, शकरकंद की उबाल के प्यूरी बना के दे सकते हैं, कई तरह की फ्रूट प्यूरीज उसको दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बच्चे को आप अपनी इच्छा से ना खिलाएं कि इतना बनाया है बच्चे को इतना तो खाना है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा, वो 1 चम्मच लेता है, 2 चम्मच लेता है, 1/2 चम्मच लेता है या 4 चम्मच लेता है, जितना बच्चा रेडीली खाता है, अच्छे से खा लेता है उतना दे। और ध्यान रखें, दिन में 2 बार ये फीड कम से कम ज़रूर दे, और एक बार कोई एक ही चीज़ ट्राई करें 3-4 दिन के लिए, फिर बच्चा अच्छे से 4-5 दिन उसको खाने लग जा रहा है तब आप दूसरी किसी फ्रूट की प्यूरी को इंट्रोड्यूस करें। इसके अलावा आप सूजी की बहुत पतली सी खीर बना के दे सकते हैं, सूजी को भून लें, दूध में अच्छे से पका लें, बहुत हल्का सा मीठा ऐड करें और वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो अगर ब्रेस्ट फीड भी प्रॉपर नहीं हो रहा है बच्चे का तो भी बच्चे की हेल्थ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा और गोल मटोल सा
दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये उपाय आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह जुड़े रहें यूट्यूब मॉम के साथ। टेक केयर, बाय।